हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द येट अनदर लेक्चर ऑफ योर सीएमए फाउंडेशन प्रोबेबिलिटी। और इस वीडियो में हम लोग रचने वाले इतिहास। भैया इतिहास रचने वाले? यस, हम लोग इतिहास नहीं रचने वाले, हम लोग तुम लोगों की बड़ी हेल्प करने वाले। क्या कि हम इस एक लेक्चर के अंदर ओनली सिंगल लेक्चर, सिंगल शॉट और पूरा प्रोबेबिलिटी का जितना एमसीक्यू है सब करने वाले हैं। जितना भी हो, कितना है देखे तो, कितना है 62 MCQs है। 62 MCQ based question of probability हम करने वाले हैं। एग्जाम में मोर और लेस क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, तो हम लोग पूरे 62 क्वेश्चन MCQ के आज एक ही लेक्चर के अंदर पूरा खत्म करने वाले हैं। बिल्कुल कसम खा के आए हैं। लेकिन तुम लोगों से कुछ इच्छा है, कुछ उम्मीद है, जो तुम लोग आजकल उम्मीदों में खड़े नहीं उतर रहे हो, कि तुम जाके प्रोबेबिलिटी की प्रीवियस वीडियो देख के आओ। जाओ देख के आओ। तुम लोग लाइक किए हो वीडियो को, है ना, कमेंट करके कुछ बताते हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो। कितना समय लगता है बताओ लाइक और कमेंट करने में? और तुम लोग करते तो हो नहीं। कहाँ 200 300 400 व्यूज चले जाते हैं, ठीक है, दो दो तीन तीन चार चार घंटे के अंदर, एक एक दिन के अंदर। और लाइक्स देखो तो 10 लाइक, 20 लाइक, 30 लाइक, 40 लाइक रहता है। ऐसा तो नहीं वीडियो तुमको हेल्प नहीं कर रही है, क्योंकि वीडियो का वॉच टाइम तो अच्छा जा रहा है, मतलब बच्चे देख रहे हैं वीडियो, पूरी पूरी वीडियो देख लेते हो, चीज़ों को समझ जाते हो। कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ रहे हो, जो एक दो बच्चे ही पूछ रहे हैं डाउट, ज़्यादा डाउट्स आ नहीं रहे प्रोबेबिलिटी में, डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाते हैं क्योंकि तुमको एकदम मस्त ट्रिक से पढ़ाया गया प्रोबेबिलिटी। लेकिन तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार। मोटिवेशन किस बात की है बताओ? किस बात की मोटिवेशन है? किसी बात की मोटिवेशन है? तुम लोग लाइक कमेंट कर देते हो ना, इससे हमको पैसा नहीं मिलता है। अगर यूट्यूबर बच्चा देख रहा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है, मेरे को ये बात पता है, सबका यूट्यूब चैनल है, मैं देखते भी रहता हूँ जाके तुम लोग का यूट्यूब चैनल कैसे चल रहा है, ठीक है। तो तुम लोगों को भी पता होगा कमेंट लाइक ये सब के कोई पैसे यूट्यूब देता ही नहीं है भाई, देता ही नहीं है बिल्कुल। तो तुम लोगों को सिर्फ लाइक्स और कमेंट से मिलती है मोटिवेशन, जो तुम लोगों को थोड़े सा आलस आ रहा है करने में। मैं आलस दिखाऊंगा एमसीक्यू करने में तो 10 वीडियो में खींच दूंगा इसको, पर एक ही वीडियो में करके दिखाएंगे तुमको। मैं आलस नहीं कर सकता, तुम लोग अपने बड़े भाई की चिंता मत करो, हम तो तुम्हारी चिंता करेंगे। देखो, आगे बढ़ने के पहले कुछ टर्म्स रिवीजन करना चाहता हूँ, कुछ नए टर्म्स बताना चाहता हूँ, ताकि एमसीक्यू में तुम लोगों को आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है नथिंग इज कॉमन बिटवीन इवेंट्स, मतलब जो इवेंट्स होने वाले हैं उन इवेंट्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होने वाली है, मतलब इंटरसेक्शन जैसा उनके बीच में कुछ नहीं होगा, इंटरसेक्शन जैसा उनके बीच में कुछ नहीं होगा। तो मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन को हम लोग और भी बोलते हैं, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। और इफ दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो इसका मतलब, जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है अगर मेंशन नहीं है तो, ठीक है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव ना, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब होता है अगर दो इवेंट है ए और बी, सच डैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो वन आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा? वन आएगा। यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब होता है और, यूनियन मतलब होता है और। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वन आएगा, उसको म्यूचुअली एग्जॉस्टिव बोलते हैं। भैया एग्जांपल दो, क्वेश्चन में समझ जाओगे, टेंशन मत लो, बस इतना याद रखो ए यूनियन बी निकालोगे तो वन आना चाहिए, ठीक है। इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली मतलब क्या होता है? मान लो थ्री इवेंट्स है ए बी सी और थ्री इवेंट्स सच डेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा वही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा, मतलब तीनों इवेंट्स के ऑकरिंग के चांसेस जो है वो इक्वल होंगे, तो इसलिए इक्वली लाइकली है नाम, कि इक्वली लाइकली दे आर गोइंग टू अराइज, मतलब तीनों के जो चांसेस है ऑकरेंस के वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो दैट इज नोन एज इक्वली लाइकली। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? जिसमें एक इवेंट दूसरे इवेंट के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होता, एक इवेंट दूसरे इवेंट के हैपनिंग से बिल्कुल अलग है, ना इसका रिश्ता इसके साथ है ना इसका रिश्ता इसके साथ है। तो सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, नहीं है। फिर अगर डिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है। तो बी अपॉन ए मतलब कि जो इवेंट बी है वो ए इवेंट के हैपनिंग पे डिपेंडेंट है, ठीक है। डिपेंडेंट इवेंट मतलब क्या हुआ? कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो हो गई, ए इवेंट हो गया, तो अब जो बी इवेंट होगा ना वो ए इवेंट के हैपनिंग पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग क्या बोलते हैं, वो लेने गए दिवाली के लिए, अपने ड्रेस लेने गए, तो तुम दिवाली का ड्रेस लेके आए और तुम्हारे तुमको ज्वेलरी भी लेनी थी दिवाली के लिए, तो तुम्हारा जो ज्वेलरी तुम लोगे वो जो तुम ड्रेस ले रहे हो उस पर डिपेंडेंट है,
ठीक है, बहुत पता है थोड़ा बकवास टाइप का एग्जांपल है पर रियल लाइफ से रिलेटेड है कि जो तुम ज्वेलरी लेके आओगे दिवाली के लिए वो तुम्हारी ड्रेस लेने पे डिपेंडेंट है। तुम जैसी ड्रेस लोगे उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी लोगे। पहले ज्वेलरी लेने जाओगे क्या? नहीं, शादी में भी देखना पहले ड्रेस आती बाद में ज्वेलरी आती है। रीजन, क्योंकि जो तुम्हारा ज्वेलरी लेने का कार्यक्रम है वो तुम्हारे ड्रेस लेने के कार्यक्रम पे डिपेंडेंट है, तो इसीलिए। और अब तुम सोचोगे भैया बी बाय ए क्या होता है, तो बी बाय ए मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो जो नीचे रहता है, ये देखो जो नीचे रहता है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाती है और ऊपर इंटरसेक्शन ही रहता है। ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होगा, इंटरसेक्शन तो ऊपर ही रहेगा पर जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे ले लिए, यहाँ पर ए नीचे था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे ले लिए थे, यहाँ बी नीचे है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे ले लिए, बस यही होता है। ठीक है, तो दैट इज डिपेंडेंट इवेंट। फिर उसके बाद क्या है, ये देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस प्लस का मतलब और होता है और का मतलब यूनियन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से तुम्हारे साथ गेम खेल सकता है, वो ए प्लस बी पूछ सकता है, वो ए और बी पूछ सकता है, वो ए यूनियन बी पूछ सकता है। ठीक है, वैसे ही वो ए बी दे सकता है, ए बी का मतलब ए एंड बी होता है और ए एंड बी मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए बी दे दे, चाहे वो एंड दे दे, चाहे वो इंटरसेक्शन दे दे, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मैं तुमको क्या लड्डू खिलाऊँ, है ना, एमसीक्यू के बेस्ड के हिसाब से इससे ज़्यादा क्या लड्डू खिलाओ तुम लोगों को, क्वेश्चन इतने तरीके से तुमको घुमा सकता है। ठीक है, तो तुम लोग रेडी हो, चालू कर सकते हैं आप। तो चलो एमसीक्यू बेस्ड तुम्हारे क्वेश्चन हमको स्टार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखो क्या बोल रहा है, इनिशियली प्रोबेबिलिटी वॉज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। मैथ्स, इनिशियली जो प्रोबेबिलिटी था वो मैथ्स का पार्ट था, मैथ्स में हम रैंडम सैम्पलिंग के लिए इसको यूज़ करते थे। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे स्टैटिस्टिक्स और बाकी सारी जगह भी यूज़ होने लगा। ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हर जगह यूज़ होता है तो प्रोबेबिलिटी भी हर जगह आ गया, सबसे पहले मैथ्स का ही पार्ट था। इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन देयर प्रोबेबिलिटी आर लेस देन वन, ये वन होगा, their probability are sum to one, both events cannot occur at the same time, this is the answer, both event cannot occur at the same time। देखो अभी लिखवाया है ना mutually exclusive, ये देखो nothing is common between events, मतलब दोनों event एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के बीच में कुछ भी common नहीं है। if the events A and B are mutually exclusive then probability of A intersection B is equal to, बोल रहा है अगर events mutually exclusive है तो A intersection B क्या होगा, zero होगा। क्यों? क्योंकि अगर mutually exclusive है तो दोनों के बीच में कुछ भी common नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जीरो आएगा। इफ फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू वन, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू वन, देन ए एंड बी आर, बोल रहा है ए यूनियन बी वन है, कुछ याद आ रहा है, ए यूनियन बी वन है, ये देखो किधर गयो, किधर गयो, ये देखो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू वन है, तो इसका मतलब ये म्यूचुअली क्या है, एग्जॉस्टिव है। क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, तो ये देखो एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, क्लियर हो रही बात, इसीलिए तुमको लिखवाया गया ये सब चीज़ें। अच्छा, तुम लोग अपनी बुक में ही लिख सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि तुम्हारे बुक के बाजू में ना यहाँ पर ये देखो ये जोन ऐसी फालतू में दिया हुआ है, तो इसी जोन में तुम लोग लिख सकते हो। क्या है, जब रिवीजन करने बैठोगे ना तो तुमको कॉपी बुक अलग अलग नहीं खोल कर रखना पड़ेगा, ये हुई दिमाग वाली बात, स्मार्ट वर्क वाली बात जो तुम लोग करते नहीं हो, स्मार्ट वर्क तुम लोग करते नहीं हो, वो वाली बात हो गई। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वन, देन द इवेंट ए इज नोन एज, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी वन है, वन है मतलब समझ रहे हो, मतलब ये इवेंट हो के रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, भाई वन है प्रोबेबिलिटी, 99% भी होता तो मान के चलते 99% चांसेस होने की है, 1% चांसेस नहीं होने की है, पर अगर वन बोल रहा है इसका मतलब ये इवेंट हो के रहेगा, तो ये है तुम्हारा श्योर इवेंट। श्योर मतलब तुमको श्योरिटी है कि ये इवेंट हो के रहेगा। ठीक है, तो दिस इज योर श्योर इवेंट, ये सेम क्वेश्चन है, श्योर इवेंट होगा इसका आंसर। इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड वंस, ठीक है, देन टू इवेंट्स हेड एंड टेल आर, ठीक है, तो देखो बोल रहा है अगर एक अनबायस्ड कॉइन को तुम टॉस करोगे, एक ही कॉइन को, तो बोल रहा है दो इवेंट हो सकते हैं, हेड और टेल आर, क्या हो सकते हैं, क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, क्या वो एग्जॉस्टिव हो सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं, तो एक बात बताओ सिक्के को टॉस किया, हेड और टेल, क्या दोनों के बीच में कुछ कॉमन है? हाँ भैया है ना, अगर सिक्का खड़े हो गया तो दोनों कॉमन हो जाएंगे, अरे भाई मूवी नहीं चल रही है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होगा। क्या वो एग्जॉस्टिव है? एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है भैया बताइए, एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है, आपको तीनों का मतलब बताया भैया, इक्वली लाइकली का। एग्जॉस्टिव मतलब होता है कि सबका यूनियन कर दोगे तो वन आ जाएगा, यूनियन मतलब क्या होता है, और, तो मतलब 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू वन आ रहा है क्या? यस आ रहा है। और इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली मतलब दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल होना चाहिए, तो 1/2 = 1/2, ये भी है। तो क्या 1, 2, 3 तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा,
इसका आंसर ऑल ऑफ दीस होगा, क्योंकि तीनों भी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। इसके बाद देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 1, ये तो मैं पहले ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में, आई थिंक बताया था 0 से 1 के बीच में हो सकती है। डैश ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, ये भी बताया था कि सारे प्रोबेबिलिटीज का आप सम कर दोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज, तो बोल रहा है अगर आप कोई इवेंट ले रहे हो ए और अगर आप उसके कॉम्प्लीमेंट से उसको प्लस कर दे रहे हो, ठीक है, तो मान लो कोई इवेंट है तुम्हारा ए और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 - a होता है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 - a होता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा 1 - 1/2, ये मैंने एग्जांपल लिया है ना, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। तो बोल रहा है अगर अब ए को ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 10 का आंसर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। फिर पूछ रहा है इफ ए इज एन इवेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देन, क्या सच है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस 1, ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही आंसर है, ये देखो अभी अभी तो बताया, ठीक है। फिर उसके बाद इफ फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी प्रोबेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी, देन द टू इवेंट्स ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट कैसे, ये देखो इंडिपेंडेंट इवेंट का, ये देखो इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पर वो बोल रहा है ये इक्वल नहीं है, बोल रहा है ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो मतलब वो डिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है इसका मतलब वो डिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो तुमको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, जरूरी थोड़ी है वो डिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला दे, वो इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला क्रॉस करके दे सकता है, तो वो तो डिपेंडेंट इवेंट हो गया ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, बोल रहा है दोनों में से कोई एक इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, नन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, दोनों में से कोई एक इवेंट होगा, तो मान लो ए इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों को प्लस कर देंगे, और वाला याद है ना, या तो ए होगा या तो बी होगा, बीच में क्या लगता है और लगता है, और का मतलब क्या होता है प्लस, और का मतलब क्या होता है प्लस, ये देखो मैं इसलिए यहां पर लिखवाया अभी था, ये देखो और, तो या तो ए होगा या तो बी होगा, दोनों में से कोई एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ए और बी मतलब ए यूनियन बी मतलब ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, इसीलिए तुमको लिखवाया गया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए एज वेल एज बी इज डिनोटेड बाय, ए भी होगा बी भी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इंटरसेक्शन, दोनों होगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब पी ए बी, ठीक है, पी ए बी इंटरसेक्शन मतलब पी ए बी, क्लियर हो रही है ना बात, बिल्कुल सही। वेन द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू एन इवेंट ए इज इक्वल टू 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, बोल रहा है अगर फेवरेबल इवेंट ए के 0 है, फेवरेबल इवेंट, तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल इवेंट अपॉन टॉप ऑल पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, दिस इज द फॉर्मूला है ना, तो फेवरेबल आउटकम बोल रहा है 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ए की, 0, 0 आ गया ना ऊपर तो 0, अगर नीचे आ जाता तो नॉट डिफाइंड, वैसे नीचे 0 आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सैंपल स्पेस 0 नहीं हो सकता ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/11, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो बताओ ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है 1 - a, तो 1 - 5/11, तो ये हो गया 6/11, ए इज द आंसर, ठीक है। फिर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 7/8, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 7/8, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो जाएगा 1 - एक मिनट रुको, चलो देखो कहाँ थे हम लोग, हाँ ये कर रहे थे 7/8, तो ये कितना हो जाएगा 1/8, सेम क्वेश्चन, ठीक है। ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर्म, ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब सैंपल स्पेस, अच्छा यहाँ स्पेस नहीं लिखा है तो तुम नन मत करके आना, सैंपल
इज अमाउंट टू सैंपल स्पेस, तो तुम इसको नन मत करके आ जाना, ठीक है। सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज द डैश व्हेन अ डाई इज टॉस्ड इज अ सैंपल स्पेस, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज सैंपल स्पेस। एस इज इक्वल टू ये इज अ सैंपल स्पेस। अब देखो यहां पर सैंपल भी दिया है, सैंपल स्पेस भी दिया है, दोनों ऑप्शन दिया है, तो व्हाट इज बेटर, सैंपल और सैंपल स्पेस? ऑफ कोर्स सैंपल स्पेस, ठीक है। तो ऐसा है, मतलब यहां पर गेम थोड़ा सा पलटी करके खेला जा सकता है, बाउंसर मतलब बोलते हैं ना, स्पिनर बॉल फेंका जा सकता है, तो तुमको उसको स्पिन की तरह हैंडल करना है। द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस वेयर एस इज द सैंपल स्पेस, तो बोल रहा है अगर तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे सैंपल स्पेस की, अगर एस जो है वो सैंपल स्पेस है तो वन आएगा भाई, वन आएगा। अगर तुम सैंपल स्पेस को, फेवरेबल आउटकम क्या होगा, सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, तो वन आ जाएगा ना, क्योंकि तुमको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस निकालो, तो सैंपल स्पेस की खुद के आने की प्रोबेबिलिटी तो वन है ना, है ना। जैसे मैं तुमसे बोला कि एक डाइस को थ्रो किया मैंने, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि डाइस जो है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा, मतलब जो सैंपल स्पेस है वही आ जाएगा पूरा सैंपल स्पेस, तो 6/6 वन हो गया, ठीक है, तो वन आ गया इसका आंसर। प्रोबेबिलिटी स्पेस इन टॉसिंग टू कॉइन्स, बोल रहा है दो कॉइन टॉस करोगे तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस, ये हेड हेड टेल टेल, टेल हेड हेड टेल, तो दिस इज योर सैंपल स्पेस, ठीक है। बोल रहा है विच सेट ऑफ फंक्शन डिफाइन अ प्रोबेबिलिटी स्पेस ऑन सैंपल स्पेस ए बी सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, ये तो नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीरो हो गया, ये भी नहीं हो सकता, बोथ ए एंड बी हो ही नहीं सकता, ये नीदर ए नॉर बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी आने की प्रोबेबिलिटी, ए के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगी 1/3, बी के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, और सी के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 ही है, क्योंकि ये देखो टोटल तीन लोग हैं, ए के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, बी के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और सी के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, तो नीदर ए नॉर बी हो जाएगा। विथ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन डिफाइन अ प्रोबेबिलिटी स्पेस ऑन एस इज इक्वल टू ए बी सी, ये तो नहीं है, 1/2, 1/4 हो गया, ये भी नहीं है, यहाँ जीरो हो गया, तो ये नहीं हो सकता, इसका भी नीदर ए नॉर बी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, लेट पी बी आर प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑन एस इज इक्वल टू x1, x2 एंड x3, तो दिस इज योर सैम्पल स्पेस। बोल रहा है x1 की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, x3 की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो x2 इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 क्या 1 आना चाहिए? मैं बोलता हूँ ना, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती है, जितनी भी प्रोबेबिलिटी सबको प्लस कर दो तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आती है। मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 दिया हुआ है, मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 दिया हुआ है इज इक्वल टू 1, क्या मैं इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 निकाल सकता हूँ? यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू 1 - 1/4 - 1/3, तो इसको निकाल लेते पहले, 1 - 4, 3 - 12, 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 - 7/12, तो ये हो गया 5/12, कितना हो गया 5/12, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड बात है जी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट ए एंड बी विच मे नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बोल रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्या ये बात हमको बताने की आवश्यकता है? क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है? मेरे को यह बात नहीं पता थी, क्या मेरे को पता है? मैं यही एज्यूम करके चलता हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो नहीं है जब तक क्वेश्चन खुद ही ना बोल दे, ठीक है। इज गिवन बाय, बोल रहा है फॉर्मूला बताओ, तो पी ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये देखो बी वाला, ये तो मैं तुम लोग को फॉर्मूला ही लिखवाया हूँ, ये देखो मैं पीछे नहीं हटता, ये देखो इफ इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये देखो मैंने तो तुमको फॉर्मूला ही लिखवा के दिया है, ठीक है, इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/5 एंड द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक बात बताओ, क्या तुमको यहाँ फॉर्मूला लिखवाया गया है? क्या तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये देखो पहले दिखा दे, पहले प्रूफ, भैया प्रूफ पे बात करते हैं, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक सेकेंड कलर चेंज कर, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहले ही लिखवाया गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/5 कितना हो जाएगा, 3/10, बी इज योर आंसर, वेरी गुड, बी इज योर आंसर। फिर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.6 है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.7 है, ओके, तो बोल रहा है फॉर द टू इवेंट्स ए एंड बी देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी कितना होगा, पहले भैया फॉर्मूला लिखवाया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। मेरे को पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, तो कैसे निकाल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कुछ नहीं किया इसको इधर फेंक दिया उठा के, ठीक है, वेरी गुड। ओके तो 0.6 प्लस 0.7 कितना होता है, 6 12 प्लस 1 13, 1.3 इज योर आंसर, 1.3 इज योर आंसर, इजी इजी बोलो, यस। इफ फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, बोल रहा है दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, इसलिए इंडिपेंडेंट इवेंट तुमको पहले बता दिया कि क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 2/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना है, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछ रहा है मेरे से, तो ये हो जाएगा मेरा बड़ा क्वेश्चन। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकता हूँ, हाँ भैया लिख सकते हो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, खड़े खड़े एक नंबर बात हो गई, ए यूनियन बी कितना दिया है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो अब इसको हम करते हैं सॉल्व, 2/3 माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 5 3 जब 15, 5 2 जब 10 माइनस 3 2 जब 6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मैं ले रहा हूँ कॉमन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन उठा लूंगा अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस 2/5 बच जाएगा, तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4/15 हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू 5 माइनस 2 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 3/5, तो 4/15 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू 3/5, अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4/15 इंटू 5/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना इधर ले जाके, इक्वल्स के इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 1 5, 5 3 15, तो 4/9 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया 4/9, इसको तुम लोग नोट कर सकते हो, ये थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन था, इसलिए तुमको एग्जाम में पेपर पेन अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो लगेगा तो एक मिनट से ज़्यादा समय लगा क्या, देखो एक बार वीडियो को फिर से बैक करके, ठीक है, एक मिनट ज़्यादा समय लगा नहीं लगा होगा, और लगा भी होगा तो मैं एकदम डिटेल में लिख रहा हूँ, तुमको कौन सा डिटेल में लिखना है, डिटेल में लिखना है क्या, नहीं आंसर देना है बस, ठीक है, तो 4/9 बी आंसर, 4/9 इज द आंसर, इसको लिख लो, एक काम करो, चलो आई एम गिविंग यू सम टाइम, पॉज करो वीडियो का ही लिख लो, ठीक है, बहुत मज़ेदार चैप्टर प्रोबेबिलिटी करते हुए, मेरे को एक्चुअल में मज़ा आता है प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने में, ठीक है, पर क्वेश्चन नहीं बनता तब दिमाग खराब होता है ना, बोलो पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बताओ, क्वेश्चन नहीं बनता दिमाग खराब होता है, नहीं छोड़ो मत बताओ, पढ़ो पढ़ाई करो। ए और बी आर टू इवेंट्स सच डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/5, बोल रहा है ए यूनियन बी निकाल के दिखाओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यस वेरी गुड, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/5, तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, तो हो जाएगा 4 2 8 4 6/8 माइनस 1/5 8 5 40 6 5 30 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 22/40 2 1 2 2 1 2 2 20 11/20 ठीक है। इसके बाद देखो ए बी सी 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है, एक्सक्लूसिव भी है एग्जॉस्टिव भी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, सच डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी सी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक क्या भैया निकाल लेंगे, तो पहले मेरे को एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है, तो मैं इसको ना लेट अस एज्यूम, आई एम एज्यूमिंग इट इज इक्वल टू एक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा एक्स अपॉन 2, ये 2 नीचे चले जाएगा, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा एक्स अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है,
सो दिस इज कम्स आउट टू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल थ्री इवेंट्स. अब मेरे को बोल रहा है एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या बोलता था? एग्जॉस्टिव इवेंट बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू वन होता है. और यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है और मतलब क्या होता है? प्लस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू वन. तीनों को प्लस कर देते हैं, थ्री टू जस्ट सिक्स, सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू वन, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन एक्स अपॉन सिक्स इज इक्वल टू वन. तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा सिक्स बाय टेन, सिक्स बाय टेन, सॉरी इलेवन होगा. ओ आई एम सो सॉरी, दिस इज इलेवन. ठीक है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू क्या हो गया 6 बाय 11. मेरे से पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकाल के बताओ, तो यहाँ x के जगह वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू 6 बाय 11 आई है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 6 बाय 11 इंटू टू, तो 6 बाय 22 आ गई प्रोबेबिलिटी. और इसी को मैं बोल सकता हूँ 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 बाय 11 आ गया आंसर, 3 बाय 11 आ गया आंसर. ठीक है, तो देखो 3 बाय 11 किधर है, 3 बाय 11 नहीं है. अच्छा ओके, 6 बाय 22 दिया हुआ है, उसको काटा नहीं है. ठीक है, 6 बाय 22, 6 बाय 22. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा? वन होगा. अब भी तो बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा? वन, क्योंकि एग्जॉस्टिव है, क्योंकि क्या है? एग्जॉस्टिव है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6 बाय 9, देन द ऑड अगेंस्ट द इवेंट ए इज. तो देखो क्या बोल रहा है, प्प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 6 बाय 9 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 6 बाय 9 है. तो मेरे को एक बात बताओ, अगर 6 बाय 9 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसा होगा? है ना, मेरे को और सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 6 बाय 9 है बोल रहा है मेरे को, देन द ऑड अगेंस्ट द इवेंट ए पूछ रहा है, ऑड पूछ रहा है. तो मेरे को ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है मेरे को? इवेंट दिया हुआ है, मतलब बेसिकली ये मेरे को दिया हुआ है फेवर में, मेरे को अगेंस्ट पूछ रहा है. तो एक बात बताओ, अगर 6 बाय 9 है, अगर 6 बाय 9 है, इसका मतलब इसका रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो 6:3 होगा, इसका रेशियो 6:3 होगा, है ना, तभी तो ये 6 बाय 9 बना, तभी तो ये 6 बाय 9 बना. ये फेवर दिया हुआ है तुमको, ये क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, दिस इज व्हाट योर फेवर. तो मेरे से ऑड अगेंस्ट पूछ रहा है, अगेंस्ट, ये देखो अगेंस्ट पूछ रहा है. ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर ये फेवर जो है वो 6 बाय 9 है, फेवर अगर 6 बाय 9 है, तो इसका मतलब ये 6:3 होगा इसका रेशियो, इनके बीच का रेशियो 6:3 होगा. तो अगर फेवर जो है वो 6 बाय 9 है, तो अगेंस्ट क्या आ जाएगा? 3 बाय 9. अगेंस्ट क्या आ जाएगा? 3 बाय 9. तो 3 बाय 9 इज योर अगेंस्ट, समझ में ही बात. अब बच्चे यहाँ पर एक गलती करते हैं, पूछो क्या गलती करते हैं, है ना, उन लोग एकदम हड़बड़ा जाते हैं उन लोग. या फिर तुम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे 1 - 6/9, तो भी 3/9 ही आता. ठीक है, पर बच्चे कहाँ हड़बड़ा जाते हैं पता है, बोलते हैं कि 6/9 मतलब 6:9 है. ये गलती मत करके आना, क्यों? क्योंकि तुमको यहाँ पर रेशियो निकाल के नहीं दिया हुआ है, तुमको यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल के दी हुई है. प्रोबेबिलिटी और वो जो रेशियो हम निकालते हैं उसमें अंतर है ना, उसमें अंतर है. जब एक बात बताओ, मैं तुम लोग को ऑड्स पढ़ा रहा था, तो मैं तुम लोग को बोला था 2:3 है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर क्या होगा? 2/5. और प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेंस्ट क्या होगा? 3/5. ऐसे ही बताया था तुम लोग को कि फेवर की प्रोबेबिलिटी 2/5 होगी, अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी 3/5 होगी. तो ये चीज़ तुम गांठ मान के याद करके कहीं भी अपने कहीं पर भी हाथ में टैटू बनवा लो इसका. ठीक है, जो करना करो, पर भूलना मत. अगर तुम ऐसी मूर्खता एग्जाम में करके आए ना, तो तुम मेरे स्टूडेंट नहीं कहलाओगे. ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, कि तुम हड़बड़ी के चक्कर में ऐसा कोई काम करके आ रहे हो कि तुम सीधा बोल दे रहे हो 6/9 इज द रेशियो. भाई ध्यान से देख ले, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, रेशियो नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना. ठीक है, चलो, इफ पीस टू क्यू आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, बोल रहा है पीस टू क्यू क्या है? ऑड इन फेवर है. ठीक है, तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज, तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस इवेंट की. तो अगर फेवर का दिया हुआ है, फेवर दिया हुआ है मतलब पी अपॉन पी प्लस क्यू, P अपॉन पी प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा मेरा P अपॉन पी प्लस क्यू. ठीक है, P अपॉन पी प्लस क्यू, क्लियर हो गई बात? यस. फिर उसके बाद द ऑड्स इन फेवर, ये वाला कैसे आया तुम लोगों को समझ में? ना मैं एग्जांपल देके एक समझा दूं क्या? ठीक है,
पीस टू क्या वीडियो बनने के बाद फिर तुम लोग कमेंट सेक्शन में लंबा लंबा एक मेरे से आंसर पूछते हो और मैं कैसे टाइप करके बताओ, तुम लोग बताओ ना। इतना लंबा लंबा आंसर तुम लोग को टेलीग्राम में बोला जाता है पूछने के लिए, फिर टेलीग्राम में पूछो तुम लोग बोलते हो रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो तुम लोग ये भी समझो कि हम लोग पहले थे 100, 200, 300 लोग की फैमिली थी तो सबके आंसर मिलते थे, अब हो गए हैं 1600, 1700 की फैमिली हो चुकी है हमारी टेलीग्राम में। हाउ वी सपोज टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इवन दो सारे स्टूडेंट आपस में बिजी रहते हैं, वी आर द बेस्ट ग्रुप एक्चुअली, कि हम लोग कोशिश करते हैं मैक्सिमम आंसर्स क्रैक कर ले, और मैं खुद बिजी रहता हूँ रिकॉर्डिंग में, ठीक है, तो इस वजह से नहीं हो पाता सबका आंसर। पर ऐसा नहीं है, आंसर रिप्लाई होगा, और तुम लोग एक आध दोस्त बना लो अपना, अच्छा ठीक है। टेलीग्राम में बहुत सारे फ्रेंड्स बने, ऐसा नहीं है, उन लोगों के पर्सनल ग्रुप्स भी बने होंगे, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड बने, तो दो फ्रेंड्स आपस में कॉम्पिटिट करके भी पढ़ सकते हो, तो दैट मेक्स सम बिग एडवांटेज, ठीक है। तो देखो पीस टू क्यू, तो मान लो एक इवेंट है उसका इन फेवर 3:2 दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं तुमसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर, तो तुम क्या बोलोगे भैया 3/3+2, यही बोलोगे ना, तो बस तुम इसको P मान लो, इसको तुम Q मान लो, तो क्या हो जाएगा P/P+Q, ऐसा समझे। देखो फिर उसके बाद द ऑड्स इन फेवर ऑफ वन स्टूडेंट पासिंग अ टेस्ट इज 3:7, बोल रहा है ऑड इन फेवर कि एक स्टूडेंट एग्जाम को पास कर लेगा 3:7 है, ऑड्स अगेंस्ट अनदर स्टूडेंट पासिंग एन एग्जामिनेशन इज 3:5। एक चीज ध्यान में रखना, इसका फेवर दिया हुआ है, इसका अगेंस्ट दिया हुआ है, तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पास, बोल रहा है दोनों पास हो जाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, ठीक है, तो दोनों पास हो जाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है बता देते हैं। तो मेरे को पहले ये बताओ दोनों फेल होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अच्छा बेसिकली मेरे से एटलीस्ट वन नहीं पूछा है, मेरे से पूछा है बताओ दोनों पास होने की प्रोबेबिलिटी, तो भाई ए पहले स्टूडेंट की पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/10, ठीक है, ये देखो 3 दिया हुआ है ना, और 3+7 क्या होता है 10 होता है, तो 3/10 पास होने की। इस बंदे का अगेंस्ट दिया हुआ है मतलब इसका जो बाद वाला है वो पास का है, पहले वाला फेल का है, अगेंस्ट दिया हुआ है मतलब पहले वाला नेगेटिव है बाद वाला पॉजिटिव है, तो 5/8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15/80, तो 5 3 15, 5 1 5 5 6 30, 3/16 आ रहा है, डी आंसर है, ठीक है डी आंसर है, क्लियर हो गई ना बात। तुमसे पूछा था बोथ पास मतलब दोनों पास होंगे, एटलीस्ट वन नहीं बोला था, एटलीस्ट वन बोलता तो क्या करते बताओ, तो इसी क्वेश्चन में एटलीस्ट वन बोलता तो क्या करते भैया, दोनों की फेल होने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस कर देते, है ना, दोनों की फेल होने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके 1 से क्या कर देते माइनस कर देते, ठीक है। नेक्स्ट देखो द ऑड इन फेवर ऑफ वन स्टूडेंट पासिंग अ टेस्ट इज 3:7, ऑड अगेंस्ट स्टूडेंट पासिंग अ टेस्ट 3:5 प्रोबेबिलिटी दैट बोथ फेल, बोल रहा है दोनों फेल हो जाएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो पहला बंदा फेल होगा 7/10, दूसरा बंदा फेल होगा 3/8, ठीक है, 7 3 21 80 21/80 बी आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अ बैग कंटेन 20 डिस्क नंबर 1 to 20, बोल रहा है एक बैग के अंदर 20 डिस्क पड़ी हुई है, उसमें नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 20 तक, ठीक है, अ डिस्क इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, बोल रहा है उस बैग से एक डिस्क निकाले, तो प्रोबेबिलिटी डेट द नंबर ऑन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं डिस्क बाहर निकालूंगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, तो एक बात बताओ 3 की टेबल पढ़ो 20 के पहले तक, 3 की टेबल पढ़ो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, रिजेक्ट हो गया, क्यों मेरे को 20 से कम चाहिए, तो एक बात बताओ कितने 3 के मल्टीपल है 20 के पहले 6, तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ 6, टोटल आउटकम कितना है 20, 6/20, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 10 20, 3/10 इज योर आंसर, खत्म, 3/10 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। बोल रहा है नंबर ऑफ A number of selected from set S is equal to 1 2 3 4 ... 25. The probability that it will be divisible by 4 or 7, मतलब 4 से भी होगा 7 से भी होगा, तो ठीक है 25 के पहले तक 4 की टेबल पढ़ो, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, अब 7 की टेबल पढ़ो, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, पार हो गया, तो कितने फेवरेबल आउटकम कितने हुए, डिविजिबल बाय 4, और बोला है ना और मतलब क्या होता है प्लस होता है ना, तो डिविजिबल बाय 4 और डिविजिबल बाय 7, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 6/25 प्लस 1 2 3 3/25 कितना आ गया 9/25, दिस इज कम्स आउट टू बी 9/25, तुमको पॉइंट में आंसर दिया है 9/25 0.36, सी आंसर है 0.36, तुमको और बोला था ना तो बीच में प्लस लगा दिया हमने, और बोला था। फिर देखो अ बैग कंटेन 30 बॉल्स नंबर 1 to 30, ओके, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द ड्रॉन बॉल विल बी मल्टीपल ऑफ 3 और 7, तो चलो 3 की टेबल पढ़ो 30 तक,
थ्री वन जा थ्री, टू जा सिक्स, थ्री जी नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, थ्री नाइन जा थर्टी। सेवन की टेबल पढ़ो थर्टी के पहले तक। सेवन जा सेवन, सेवन टू जा फोर्टीन, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट। ठीक है, तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए थ्री और सेवन के? एक दो तीन चार, इसके तो पूरे दस हो गए, टेन बाय थर्टी प्लस। और बोला है ना फिर से ये चीज़ ध्यान रखना, एक दो तीन चार, फोर बाय थर्टी, कितना आंसर आ गया? फोर्टीन अपॉन थर्टी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई भैया? भैया भैया, हाँ बेटा बोल भैया, डाउट है? बोला हाँ पूछ भैया। आप एक चीज़ नोटिस करोगे अगर, मतलब ठीक है मेरा डाउट है, आप सही हो, मैं मान रहा हूँ, फोर्टीन अपॉन थर्टी आपका आंसर सही है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन भैया यहाँ पर ये जो 21 है और यहाँ पर ये जो 21 है, क्या ये दोनों कॉमन है? मैंने बोला हाँ यार, ये तो कॉमन दिख रहे हैं। तो भैया इन लोग को दो बार काउंट करना सही रहेगा, क्योंकि हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े थे कि डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग उसको हटाने के लिए, जैसे वर्ड्स में भी जैसे आई दो बार रिपीट होता था, मिसिसिपी आप बताए थे, तो उसमें हम लोग डिवाइड कर देते थे फैक्टोरियल से, तो यहाँ पर भी एक हटा दे क्या, मतलब हटा दे, मतलब मैं पूछ रहा हूँ बस। मैं बोला यार तू तो सही बोल रहा है, तेरे को तो मेरे से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आती है, वेरी गुड, एक हटाना ज़रूरी है यहाँ पर। तो एक आउटकम यहां से हट जाएगा और ये हो जाएगा 13 अपॉन 30, एक आउटकम हट जाएगा। व्हाई? बिकॉज 21 इज कॉमन बिटवीन 3 एंड 7, तो इट इज कम्स आउट टू बी 13 अपॉन 30। ये देखो, ये रहा हमारा ऑप्शन। ठीक है, फिर देखो, बोल रहा है इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ठीक है, अगर एक अनबायस्ड कॉइन को तुम दो बार टॉस करोगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल मतलब एक टेल या उससे ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो 0.75 होगा, आई एम डैम श्योर, पर तुम लोग को बता देता हूं कैसे। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, मेरे से बोला एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन टेल आना चाहिए, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये दोनों भी होगा, एटलीस्ट वन टेल मतलब वन से ज्यादा भी आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम थ्री है, टोटल आउटकम फोर है, टोटल आउटकम कितना है? फोर, तो थ्री बाय फोर यानी 0.75। ठीक है, फिर देखो, टू अनबायस कॉइन्स आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग वन हेड एंड वन टेल इज, तो बोल रहा है एक हेड एक टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये देखो, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, कितने आउटकम है? दो आउटकम है फेवरेबल, टोटल कितने हैं? चार, तो 1/2 आ गया आंसर। अच्छा, यहाँ 2/4 दिया हुआ है, 1/2 नहीं दिया है। ठीक है, थ्री कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, बोल रहा है तीन कॉइन एक साथ उछाल दिए हमने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्जैक्टली टू हेड्स, तो दो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? भैया सैंपल स्पेस बनाएंगे हम, तो देखो, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, कितने आउटकम हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक गायब है, एक गायब है, रुको कौन सा गायब है? हेड 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 हो गया, हेड हेड टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड हेड हो गया, ये हो गया हेड हेड टेल। मिल गया, पहला हेड दूसरा टेल टेल ये नहीं हुआ है। ठीक है, पहला हेड दूसरा टेल टेल नहीं हुआ है ना? हाँ नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये देखो, ये एट आउटकम्स हो गए। ठीक है, एक बार और मेरे को चेक कर लेने दो, हेड टेल टेल, हाँ यही वाला नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो मेरे से पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स, मतलब सिर्फ दो ही हेड होने चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? एक दो तीन, बस तीन ही है, तीन ही प्रोबेबिलिटी, तीन ही आउटकम है, और टोटल आउटकम कितने हैं? आठ, टोटल आउटकम कितने हैं? आठ। अब तुम लोग पूछोगे भैया आपको कैसे पता चला कि एट आउटकम्स ही आने चाहिए? मैं बोला अगर तू पहली बार कॉइन टॉस करेगा तो दो आउटकम आ सकते हैं, दूसरी बार कॉइन टॉस करेगा दो आउटकम आ सकते हैं, तीसरी बार कॉइन टॉस करेगा दो आउटकम आ सकते हैं, तो टोटल एट आउटकम होने चाहिए तुम्हारे सैंपल स्पेस में। ठीक है, तो इसलिए मेरे को जब मेरे सात सैंपल स्पेस बने तो मेरे को समझ में आया कि कोई एक मैं नहीं लिखा हूं, तो वो ये वाला एक मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, तो दैट इज कम्स आउट टू बी 3/8, समझे? तो ऐसे तुमको सैंपल स्पेस भी पता हुआ होना चाहिए। बोल रहा है फोर कॉइन्स आर टॉस, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर टू हेड्स इज, तो बोल रहा है जब चार कॉइन टॉस होंगे तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि दो हेड्स आएंगे, तो अब तो चार कॉइन टॉस करवाना है, बाप रे। तो एक काम करते हैं, हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं, टू इंटू टू इंटू टू इंटू
टू, तो कितना हो गया, टू टू द फोर, फोर टू जी टू 16, 16, ठीक है। अब मैं निकाल लेता हूँ आउटकम्स, ठीक है। तो देखो दो हेड आने चाहिए, तो देखो सिर्फ हेड हेड वाले आउटकम बनाऊंगा ना, तो हेड हेड टेल टेल, सिर्फ दो हेड वाले आउटकम्स मैं बना रहा हूँ ताकि मेरे फेवरेबल आउटकम बस मेरे को मिले, मेरे को काम नहीं बढ़ाना पड़े। फिर उसके बाद हेड टेल हेड टेल, फिर उसके बाद हेड टेल हेड, सॉरी टेल हेड, मैं बस क्या करते जा रहा हूँ देख रहे हो तुम लोग, बस उधर खसकाते जा रहा हूँ, बस उधर खसकाते जा रहा हूँ। फिर उसके बाद टेल हेड टेल हेड, फिर उसके बाद टेल टेल हेड हेड, ठीक है। फिर एक दो तीन चार पाँच, और भी तो बन सकता होगा, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, फिर एक हेड इधर किसका, फिर एक हेड इधर किसका, फिर एक इधर आया, फिर एक इधर आया, हो गया बस। नहीं एक और बनेगा, एक और बनना चाहिए, अच्छा दो टेल कॉर्नर वाले नहीं बनाए, हेड हेड टेल, हाँ ये हो गया, दो टेल कॉर्नर वाले नहीं बने थे, तो छह आउटकम है। इसके अलावा और दो हेड आने वाले आउटकम्स नहीं है, और दो हेड आने वाले आउटकम्स इसके अलावा नहीं बन सकते। तो एक दो तीन चार पाँच छः फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम कितना है 16, तो 6/16 आंसर आ गया, 2 3 6 2 8 16 3/8 3/8 इज आंसर, क्लियर हुई बात। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर मतलब मेरे को थोड़ा सोचना पड़ गया, तुम लोग को भी एग्जाम में सोचना पड़ सकता है भाई, ये तो एकदम कॉमन सी बात है, एकदम मतलब कंफ्यूजिंग सा दिखने लगता है सब कुछ, लेकिन क्लिक जरूर करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद 43 देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एन इवन नंबर विथ एन ऑर्डिनरी सिक्स फेस डाइस, बोल रहा है एक डाइस को फेंकोगे तो इवन नंबर थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6 2 4 और 6, तो 3/6 यानी कि 1/2, हाफ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एन इवन नंबर, ठीक है। बोल रहा है इफ टू अनबायस्ड डाइस आर रोल्ड, बोल रहा है अगर दो अनबायस्ड डाइस थ्रो करेंगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द पॉइंट्स नीदर 6 नॉर 5, तो बोल रहा है जो पॉइंट्स आएंगे उसका जो सम होगा वो 6 और 9 नहीं होना चाहिए, तो 6 और 9 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, 6 और 9 वाले पॉइंट्स को पकड़ता हूँ, 6 और 9 वाले पॉइंट्स को पकड़ता हूँ और उसको मैं टोटल से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो बताओ कैसे कैसे 6 आ सकता है, सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या आएगा, 6 × 6 36 आएगा, पहली बार थ्रो करूंगा तो 6 आउटकम, दूसरे बार थ्रो करूंगा 6 आउटकम, टोटल 36 आउटकम हो सकते हैं। और वैसे हम लोग दो डाउस रोल करने का सैंपल स्पेस पहले बना चुके हैं, है ना, पर हम यहाँ पर एमसीक्यू कर रहे हैं तो हमको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में करना है, तो मैं 6 और 9 के सम वाले रोल्स को निकालता हूँ। तो एक तो हो जाएगा मेरा 1 और 5 2 और 4 3 और 3 4 और 2 5 और 1, तो इतने तरीके से 6 आ सकता है सम, सम मतलब टोटल करने से क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। 9 कितने तरीके से आ सकता है, 9 तो आएगा मेरा 3 और 6 4 और 5 5 और 4 6 और 3, ठीक है। तो ये हो गए मेरे पॉसिबल आउटकम्स, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9/36 इज द पॉसिबल, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 6 और 9 बाय रोलिंग अ डाइस, ठीक है, क्योंकि 6 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5/36, सम 9 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4/36, तो टोटल 9/36 इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई एम गोइंग टू गेट ईदर 6 और 9 एज अ सम ऑफ बोथ द डाइसेस, ठीक है। बट मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को नीदर नॉर चाहिए, मतलब 6 भी नहीं आना चाहिए 9 भी नहीं आना चाहिए, तो माइनस कर दो 1 से, 1 - 9/36 कितना आ जाएगा, ये 27 आएगा क्या, 27/36, तो दिस इज माई आंसर, ठीक है, दिस इज माई आंसर, पॉइंट में दिया एक सेकेंड रुको, 27/36 0.75 सी आंसर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, देखो नीदर नॉर लिखा है, पढ़ लो ध्यान से, नीदर नॉर लिखा है, ठीक है, हल्के में ना लो प्रोबेबिलिटी को। बोल रहा है टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, बोल रहा है दो डाइस साथ में फेंके, द प्रोबेबिलिटी डेट द इवेंट द डिफरेंस ऑफ नंबर शोन इज 2, तो बोल रहा है डिफरेंस और नंबर जो होगा वो 2 होगा, डिफरेंस और नंबर क्या होगा 2, चलो इसके 8 आउटकम्स आएंगे, 8 आउटकम्स इसके आएंगे फेवरेबल, पर मैं तुम लोगों को बना के दिखा देता हूँ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6,
2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6. लो, ये हो गया आउटकम। तो मैं दो डाइस थ्रो करूंगा तो ये इतने आउटकम हो सकते हैं, या तो पहली बार 1 1, दोनों डाइस में 1 1 आ जाए, या 1 2 आ जाए, या 1 3 आ जाए, 1 4, ऐसे करके 36 आउटकम्स हो सकते हैं। मेरे को बोल रहा है, मेरे को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डिफरेंस दो होना चाहिए, दोनों डाइस के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, दो। पकड़ो दो वाले डिफरेंस को, ये देखो 1 3, दो वाला डिफरेंस है, 4 2, 3 5, 4 6, 5 3, और 6 2, सॉरी 6 2 नहीं होगा यार, क्या कर रहा हूँ मैं, मिट जा, 6 4, ठीक है, और 4 माइनस 5, 4 माइनस 3, 4 4 माइनस 2, 4 2, ठीक है, और 6 5 6, 3 2, हो गया, नहीं एक और आएगा, 6 6 तो नहीं है, 6 5 नहीं है, 6 4 नहीं है, 6 3 नहीं है, 6 2 नहीं है, 5 6 नहीं है, 5 5 नहीं, 5 4 नहीं है, 5 2 नहीं है, 5 1 नहीं है, 3 1, 3 1, ठीक है। तो देखो कितने आउटकम आए, कितने आउटकम आए, ये देखो ऐसे देख लो, 8 आउटकम्स आए हैं, ठीक है, 8 आउटकम्स आए हैं, तो 8/36 इज योर आंसर। 8/36 तो दिया नहीं है ऑप्शन में, तुमको दिया है 8/36 को तुम काट के देख लो, 8 1 2 3 4 8 2 8 5 14 है, 2 4 8, 2 1 2 2 8 7, 2 2 4 2 9 18, 2/9 ए आंसर है। टू डाइज आर थ्रोन टूगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर शोन इज द ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 वाले बताने, तो 5 से बड़े, देखो 5 से बड़े होने चाहिए सम, 4+1 5, 5+1 6, 6+1 7, रुको पेन चेंज करने दो, 5+1 6, 6+1 7, ठीक है, 3 4 5, ये 1 2 3, 3 3 6, 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5+1 6, 5 6 7, 8 9 10 11, ये तो पूरा ही हो जाएगा, तो कितना हो गया, 6 6 12 12 5 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 आउटकम्स हो गए, कितने हो गए, 26, 26 आउट ऑफ 36, 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 8 16, 13/18 इज योर आंसर, ठीक है। 5 से ऊपर आना चाहिए सम, बोल रहा था सम जो है वो 5 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 5 से ज़्यादा वाले सम के इतने आउटकम है। चलो इसके लिए तो सैम्पल स्पेस बनाना ही पड़ता, तो अच्छा हुआ हम बना ही लिए थे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी डेट इट इज अ किंग, किंग कितने होते हैं, 4, टोटल आउटकम कितने, 52, 4/52 यानी 1/13, 4/52 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, एज सिंपल एज दैट। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड और एन एस, तो बोल रहा है स्पेड आने की और एस आने की, तो स्पेड कितने होते हैं, 13, एस कितने होते हैं, 4, लेकिन इस स्पेड के अंदर एक एस होता है ना, स्पेड के अंदर भी तो एक एस होता है, तो वो यहां काउंट हो गया, तो डबल काउंटिंग नाउ, इसलिए 1 माइनस कर दो, तो कितना हो गया, 16/52, 16 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, पॉइंट में आ रहा है, 2 8 16, 2 1 2 सॉरी, 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, 2 1 2 2 3 6, 4/13 ए, 4/13 ठीक है। इसके बाद देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 8 white and 5 black ball, तो बोल रहा है ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम,
5/13. A bag contains 10 red and 10 green ball. A ball is drawn from it. The probability that it will be green. देखो एक बात बताओ, हम लोगों को कितना सेकंड लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में? 4 सेकंड, 5 सेकंड लग रहा है. तुमको एग्जाम में टाइम कितना मिला हुआ है? 60 मिनट मिला है 50 क्वेश्चन करने के लिए. 60 divided by 50 कर रहा हूँ दोस्तों, 1.2 minutes. हाउ मेनी टाइम वी आर टेकिंग? ओनली 5 सेकंड, 10 सेकंड. ओपी, ओवर पावर्ड कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में ओवर पावर्ड हो जाना चाहिए एक बार. ठीक है, अभी वैसे अच्छे क्वेश्चन आने बाकी हैं. ठीक है, तो बोल रहा है एक बैग के अंदर 10 रेड बॉल है, 10 ग्रीन बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ग्रीन बॉल होगा? 10 by 10 plus 10, 10 by 20, कितना? 1/2. सी आंसर, हाफ. ठीक है, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ए सच बोलेगा 4/5 है, प्रोबेबिलिटी बी सच बोलेगा 3/4 है, प्रोबेबिलिटी डेट दे कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर. दिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट होगा. दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर वेन आस्क टू स्पीक ऑन अ फैक्ट. तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे. कॉन्ट्राडिक्ट मतलब पता है क्या होता है? जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड से, या अगर लड़कियां देख रही है तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से, या अगर लड़कियां और लड़के सिंगल है तो तुम्हारे मम्मी पापा से, जो तुम्हारी कॉन्ट्राडिक्टरी लड़ाई होती है ना, कि मम्मी बोलती है बाहर नहीं जाना पढ़ने के लिए, तुम बोलते हो बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, है ना, जो मेरे घर में होता है मेरे साथ. ठीक है, कि मैं बोलता हूँ बाहर जाके पढ़ूंगा, तो मम्मी का कहना है कि नहीं, बाहर जाने से कुछ नहीं होता, घर में सबसे अच्छी पढ़ाई होती. तो दिस इज वॉट कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब मैं 2+2 = 4 बोल रहा हूँ, तुम 2+2 = 5 बोल रहे हो. तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. तो बोल रहा है ए और बी कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी बताओ जब वो ट्रूथ बोलेगा और जब वो नॉट ट्रूथ, लाए बोलेगा, मतलब लाए, नॉट ट्रूथ क्या होता है? लाए, झूठ बोलेगा. तो ट्रूथ बोलेगा 4/5, लाए बोलेगा 1/5. बी ट्रूथ बोलेगा 3/4, बी लाए बोलेगा 1/4. तो मेरे को ये बताना है जब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, तो मतलब जब ए सच बोलेगा तब बी झूठ बोलेगा, और जब ए झूठ बोलेगा तब बी सच बोलेगा. ठीक है, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. दोनों इवेंट को प्लस कर दो, और है ना, या तो ए सच बोलेगा बी झूठ बोलेगा, या तो बी ए झूठ बोलेगा बी सच बोलेगा. दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. तो ये हो जाएगा 4/20 + 3/20, तो ये हो गया 7/20. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी 7/20 ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. इसको तुम लोग लिख लो, या तो ए सच बी झूठ बोलेगा, या तो ए झूठ बी सच बोलेगा. ठीक है, दिस द कॉन्ट्राडिक्शन. उसके बाद देखो, अ प्रॉब्लम इन प्रोबेबिलिटी वॉज गिवन टू 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट ए बी सी हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट 1/3, 1/5, 1/2 रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व? तो बोल रहा है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. तो ए सॉल्व कर लेगा 1/3, बी सॉल्व कर लेगा 1/5, सी सॉल्व कर लेगा 1/2. मेरे को ये बताओ ये लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? भैया 2/3, 4/5, 1/2, ये तीनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 4 3 = 12, 5 2 = 10, 10 3 = 30. तो ये प्रोबेबिलिटी है कि जब तीनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो इसको 1 से माइनस कर दो, 1 - 12/30, तो कितना आ गया ये? 18/30. तो 18/30 इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सॉल्व. अच्छा, आई थिंक इसको काटना पड़ेगा. 2 9 = 18 और 2 15 जा, तो ये हो रहा है 9/15, तो है ही नहीं ऑप्शन. हाउ? कुछ को कुछ गलती हो गई, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई क्या? 4 2 = 8, 5 3 = 15, 15 = 30, 12/30. 30 - 12 कितना होता है? 18 ही होता है ऑब्वियसली. अच्छा सॉरी, 4 2 = 8. ओके, भैया ज़्यादा आप एकदम जोश में आ गए हो. अगर नहीं यार, हो जाता है. ठीक है, ऑप्शन नहीं मिला ना आखिरकार मेरे को, ऑप्शन नहीं मिला ना. 22/30, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 15 = 11/15. ठीक है, नेक्स्ट देखो. इफ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन एन एग्जाम इज 60, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट एटलीस्ट 1 स्टूडेंट विल पास? तो बोल रहा है एटलीस्ट एक स्टूडेंट पास हो जाना चाहिए, एटलीस्ट एक स्टूडेंट पास हो, तो मैं निकालूंगा फेल होने की प्रोबेबिलिटी और उसको 1 से माइनस कर दूंगा. तो 60% चांसेज है कि वो बंदा पास हो जाएगा, और फेल होगा उसकी चांसेज है 40%. 4 बंदे हैं, तो मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ कि फर्स्ट स्टूडेंट फेल हो जाएगा 0.4, सेकंड स्टूडेंट फेल हो जाएगा 0.4, थर्ड स्टूडेंट फेल हो जाएगा 0.4, फोर्थ स्टूडेंट भी फेल हो जाएगा 0.4. चारों को मल्टीप्लाई कर दो, चारों फेल हो जाएंगी. प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4 × 2, 3, 4.
कितने आए हैं 0.0256। दिस द प्रोबेबिलिटी कि चारों फेल हो जाएंगे। मेरे से पूछा है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल पास, तो वन माइनस फेल होने की प्रोबेबिलिटी, वन माइनस फेल 0.0256 माइनस वन, तो ये आ रहा है 0.9744। तो दिस द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी पास्ड, समझे। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग करके आए थे ऊपर एक्सरसाइज में, तो याद है इसको करने का दूसरा तरीका भी है, पर दूसरा तरीका बहुत बड़ा है कि मैं क्या लूंगा, पहले एक पास होंगे तीन फेल होंगे, फिर दो पास होंगे तीन फेल, दो फेल होंगे, फिर तीन पास होंगे चौथा फेल होगा, फिर चारों पास होंगे, फिर पीछे से चालू होगा, ये पास होगा ये तीनों फेल, ये पास होंगे ये दोनों फेल, ऐसे करते करते मतलब बहुत सारा बनाना पड़ जाएगा बहुत सारा। तो ये दिस इज द इजिएस्ट वे टू सॉल्व दिस, ठीक है, कि चारों फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसको क्या कर दो वन से माइनस। नेक्स्ट देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हाउस ए विनिंग अ रेस, सॉरी हाउस ए, अच्छा दिस इज गोइंग टू बी हॉर्स, आई थिंक देयर इज अ मिसप्रिंट, दिस इज गोइंग टू बी हॉर्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हॉर्स ए विनिंग द रेस 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हॉर्स बी विनिंग द सेम रेस इज 1/4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द हॉर्स विल विन। अच्छा तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि वन ऑफ द हॉर्स, ठीक है, वन ऑफ द हॉर्स मतलब दोनों में से कोई एक जीत जाएंगे रेस को, तो हॉर्स वन जीत जाएगा इंटू हॉर्स बी हार जाएगा, प्लस हॉर्स बी जीत जाएगा इंटू हॉर्स वन हार जाएगा, ठीक है, ये मैंने कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा 3/6 = 24 प्लस 5/6 = 24, तो ये कितना हो गया 8/24, तो 8/24 ऑप्शन में नहीं है, काट के देखें 2 4 = 8 2 1 = 2 2 2 = 4, ठीक है 2 2 = 4 2 6 = 12 2 1 = 2 2 3 = 6, 1/3 भी ऑप्शन में नहीं, आंसर होगा नन ऑफ दिस, आंसर होगा नन ऑफ दिस। बोल रहा है अ मैन कैन किल अ बर्ड वंस इन 5 शॉट, बोल रहा है 5 शॉट में से एक शॉट में वो चिड़िया को मार देता है, मतलब बिल्कुल अर्जुन कैटेगरी का आंसर नहीं है, क्योंकि अर्जुन तो एक ही शॉट में मार देता था, ठीक है सॉरी। हाँ देखो, तो वो जो आदमी है वो 5 शॉट में से एक शॉट में चिड़िया को क्या कर देता है, खलास, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी डेट बर्ड इज नॉट किल्ड, तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बर्ड नहीं मरेगी 4/5, अगर 1/5 वो मार देता है तो 4/5 वो नहीं मारेगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट अ लीप ईयर सिलेक्टेड रैंडम विल कंटेन 53 सैटरडे 2/7, निकाल चुके हैं, याद करो एक्सरसाइज में निकाल चुके हैं, संडे के लिए निकाले थे, तो जैसे संडे के लिए निकाले थे 2/7, वैसे ही सैटरडे के लिए भी निकलेगा 2/7, ठीक है, सेम एज इट इज, जैसे एक्सरसाइज में किए थे 2/7 निकला था वैसे 2/7 यहाँ निकलेगा। What is the probability that three children selected at random would have different birthday? तो बोल रहा है तीन children को randomly select कर रहे हैं, तो साल में अलग अलग दिन उनका birthday आएगा, उसकी probability क्या है? तो पहली बात तो ये, पहले बच्चे का birthday हम मान लेते हैं 365 days में से किसी भी दिन आ सकता है, 365 days में से किसी भी दिन आ सकता है, तुम्हारे question में 364 का है लेके रखा है, this is not going to be 364 days, तो 365 upon 365, ठीक है, आ सकते हैं। फिर दूसरे बच्चे का, अब दूसरे बच्चे का जो बर्थडे है वो 365 डेज तो सैंपल स्पेस रहेगा, पर 364th डे में आएगा, क्यों? अब क्योंकि एक दिन कोई बच्चा ऑलरेडी ले चुका है, एक दिन कोई बच्चा ऑलरेडी, मतलब वो जो बच्चा पहला बच्चा था वो ले चुका होगा, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा 363, तीसरे वाले का 363 अपॉन 365 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो दिन ऑलरेडी कोई ले चुका है, तो बचे हुए 363 डेज में से वो कोई एक दिन सिलेक्ट करेगा, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तब फिर तुम्हारा आंसर आएगा ऐसा। तो आई थिंक यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है या कुछ है, आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर ए ही होना चाहिए, मे बी सम प्रिंटिंग मिस्टेक इज देयर। फिर उसके बाद देखो, बेस थ्योरम इज यूजफुल इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये रहा, मैं तो बता ही था बेस थ्योरम मतलब क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि एक इवेंट हो गया है तो दूसरे इवेंट की, पहले इवेंट के रिस्पेक्ट में होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होगा, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे क्या है बी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/12 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4 है, इसको मैं सॉल्व करूंगा 4 1 = 4 4 3 = 12, 1/3 इज योर आंसर बी। इसके बाद देखो,
इन 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 कनेक्टिंग विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज फाउंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया, ए यूनियन बी दिया, बी ए बाय ए निकालने बोल रहा है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए? चलो जिस चीज का डर था वही हुआ, पेंसिल की चार्ज खत्म हो गई, अब दो मिनट हमको रुकना पड़ेगा। चलो इतना चार्ज तो हो गया है कि तीन क्वेश्चन को करवा दे। तो मैं क्या बोल रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है क्वेश्चन में, पर मेरे को रेलेवेंट डेटा दिया है कौन से फॉर्मूले का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 5/6 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 3/5। अपने कैलकुलेटर का कृपया प्रयोग करें, कृपया विनती है आप लोगों से अपने कैलकुलेटर का प्रयोग करें। 2/3 मेमोरी प्लस 3/5 मेमोरी प्लस MRC, तो यार है 1.266666 आ रहा है। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5/6। अब ये 5/6 कितना होता है, ये होता है 0.8333, इसमें से माइनस कर देंगे 1.266666666, तो ये आ रहा है मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है 0.433333333। ठीक है, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डायरेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 0.4333 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 3/5। तो 3/5 कितना होता है 0.6, 0.6, तो 0.433333 डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये आ रहा है 0.7222222 आ रहा है। ठीक है, सॉरी P A बोला था, यहाँ पर A लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, अच्छा एक मेरे से गलती हो गई, A लिख देता हूँ यहाँ पर। बच्चे सोच रहे होंगे भैया क्या कर रहे हैं, 2/3, तो 2/3 होता है 0.66666 होता है, तो 0.433333 डिवाइडेड बाय 0.66666666, तो ये आ रहा है मेरा थोड़ा सा वेरिएशन है 0.65 आ रहा है आंसर, 0.65। अब एक काम करो, चारों ऑप्शन को धर 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 डिवाइड करके देख लो, 13/18 आ रहा है, ये नहीं है, 1/2 बिल्कुल नहीं है, 13/20 0.65 ये रहा सी आंसर है। ठीक है, पॉइंट में भी आंसर ला सकते हो, कैलकुलेटर का उपयोग हम कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत लंबा चले जाता अगर मैं वैसे सॉल्व करता, मतलब LCM निकाल निकाल के बहुत लंबा खिंचा जाता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.1 है, बी नॉट 0.8 है, पी बी बाय ए पूछ रहा है, पी ए बाय बी पूछ रहा है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी लेना है। बी मेरे पास है नहीं पर बी नॉट है, बी नॉट से बी कैसे निकालते हैं मेरे को बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट 0.8 दिया हुआ है इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा 1 माइनस 0.8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा 0.2। आज भैया रैप गॉड बन गए हो, अरे भाई अब मैं क्या बताऊँ तुम लोग को, अब ये सब तुम लोगों को नहीं बनेगा पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ तुम लोग से, क्या एक्सपेक्ट करूँ, 0.2 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंटरसेक्शन दिया हुआ है 0.1, तो 0.5 आ जाएगा आंसर, 0.5 आ जाएगा आंसर, ये रहा 0.5। ठीक है, चलो फिर उसके बाद ए एंड बी आर टू इवेंट सच डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय निकालने बोल रहा है। ए प्लस बी दिया हुआ है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। तो देखो मेरे को एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया हुआ है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है, ए दिया है 1/3, बी दिया है 1/4, 1/3 प्लस 1/4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 + 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, 4 + 3 कितना होता है 7/12 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी बोलो, 7/12 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/12, LCM कितना आएगा 2 6 12 माइनस 1, तो ये हो गया 1/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 1/12। अब 1/12 को सिंपली किससे डिवाइड कर देना है, 1/12 डिवाइडेड बाय मेरे को बोला है बी बाय ए निकालने के लिए, तो ये कितना है 1/3 है, तो ये हो जाएगा 3 1 3 3 4 1/4 आंसर, 1/4 इज योर आंसर, वेरी इजी, सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन जो इसके पहले के पहले, यानी क्वेश्चन नंबर 60 और क्वेश्चन नंबर 62 सेम क्वेश्चन है। गाइस हमारा टारगेट अचीव हो गया है, 62 एमसीक्यू क्वेश्चन हमने कर लिए सॉल्व, तो हम लोग नाउ वी आर रेडी टू फाइट विद द एमसीक्यू, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू जो आएंगे वो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही आते हैं या उसके आसपास के आते हैं, तुम लोग इतना भी एक्सपेक्ट मत कर लेना कि इंस्टीट्यूट कॉपी पेस्ट कर दे, हाँ कॉपी पेस्ट होंगे,
कुछ एमसीक्यू होंगे ना, सारे थोड़ी होंगे, पर कुछ क्वेश्चन घुमा के तो दिया जा सकता है, थोड़ी वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, थोड़ा नंबर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। पर नाउ वी आर रेडी टू फेस प्रोबेबिलिटी चैप्टर बिकॉज वी नो ऑल दी एमसीक्यूज, ऑल दी कॉन्सेप्ट्स। अब देखो बेस थ्योरम एमसीक्यू में नहीं दिया जा सकता, दैट्स व्हाई आई थिंक इस वजह से बेस थ्योरम तुमको यहाँ दिखा नहीं, पर बेस थ्योरम तुमको आना चाहिए, क्योंकि मैं तुमको एमसीक्यू पैटर्न में बेस थ्योरम सॉल्व करके दिखाया कि नहीं दिखाया, ये बताओ, दिखाया ना बेस थ्योरम, बताओ कितने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम लोग सॉल्व किए हैं, आई थिंक 10-20 सेकंड, 50 सेकंड में हम बेस थ्योरम सॉल्व किए हैं, ठीक है। हाँ बताओ मेरे को, बेस थ्योरम हम लोग किए कि नहीं किए सॉल्व शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन में, किए ना, तो बेस थ्योरम का भी एमसीक्यू आ सकता है। मैं बिल्कुल बोलता ही नहीं कि इस टॉपिक का एमसीक्यू नहीं आएगा, बस ये बात है कि प्रूविंग वाले क्वेश्चन का एमसीक्यू नहीं आ सकता, क्योंकि प्रूविंग वाले एमसीक्यू का भाई, प्रूविंग वाले क्वेश्चन में आंसर दिया रहता है, कॉमन सेंस ओपी, प्रूविंग वाले क्वेश्चन में आंसर दिया रहता है, तो एमसीक्यू कैसे आ सकता है उसका। लेकिन द पॉइंट इज कि तुम लोग अगर प्रूविंग वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लियो, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ ना, मैं अपने मैथ्स के सारे लेक्चर प्रूविंग वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व कर रहे, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमारा यहाँ पर हो गया समाप्त, एमसीक्यू हमने कर लिया, पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के हम सीख लिए हैं। फर्दर लेक्चर में तुम लोगों को जो बची कुची थ्योरी है तुम्हारी वो करवा दी जाएगी, स्टैटिस्टिक्स भी हम लोग दोनों कान पकड़ के कर देंगे क्लोज। तो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, वीडियो को लाइक करते हुए जाना, जा रहे हो तो लाइक करते हुए जाना, बाय बाय।